सरकारी दफ्तरों, पुलिस चौकी, आबादी के बीच तथा चंद कदमों की दूरी पर स्थित प्राचीन चार चार शिव मंदिर के बीच आबकारी विभाग की मिलीभगत से बियर शॉप की दुकानें खोली गई। आपको बता दें कि सूबे की योगी सरकार मंदिरों के जीर्णोद्वार के नाम पर तरह तरह के कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थक नेता शराब माफियाओं के साथ मिलकर योगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाकर नोट बटोरने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी मानक के विपरीत खोली गई बियर शॉप की दुकानों पर क्या कार्यवाही करते हैं। मेरा नाम महेश गौतम है, हम अमरौदा चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। वहाँ से जहाँ तक मुझे पता है कि जो मंदिर है, मंदिर से 200 मीटर दूर कोई वाइन शॉप, बियर शॉप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इन्होंने तकरीबन 40-50 मीटर की दूर पे वाइन शॉप खोला, बियर शॉप खोला है, टोटली अनलीगल है। और वहाँ पे जहाँ इन्होंने बियर शॉप खोला, उसके चारों तरफ मंदिर, यानी चार मंदिर पड़ रहे हैं, उसके बीच में इन्होंने खोला है। इनमें कमल मल्होत्रा जी का मेन हाथ है, बड़ा सहयोग है उसमें। उसके बाद में रामलीला स्टेडियम है, जहाँ पे जस्ट 20 फुट दूर पर रामलीला स्टेडियम है। उसके बाद में बैंक है, स्कूल है, और ब्लॉक है, और मतलब ये मार्केटिंग एरिया है जो टोटली अनलीगल है। और मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इस पे जांच हो। और वैसे तो लोगों ने यू महोदय को लिख के दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, और हम भी कल परसों उनको लिख के देंगे। संवाददाता रजत तिवारी, VSRS न्यूज़, कानपुर, उत्तर प्रदेश।